बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक ठाक। आज हम बनाने जा रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि कुछ मीठा बनने जा रहा है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा यम्मी सा जर्दा, जिसे मुतंजन भी कहा जाता है, देगी जर्दा भी कहा जाता है। ख़ास मौके पर बनता है ये, शादी बारातों में, ईद त्योहारों में। 12 रबीउल स्पेशल है तो मैं ये मीठा बनाऊँगी, जिसके लिए हमें लगेंगे ये सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे। 1/2 किलो चावल हैं, 600 ग्राम शक्कर है, 4-5 लौंग, 4-5 इलायची, कुछ नट्स हैं मेरे पास जो हम इसे यूज़ करेंगे इसमें, और डेकोरेशन के लिए काजू है, बादाम है, किशमिश है, सूखा खोपड़ा है, 1 कप दूध है, 1 कप खोया है और 1 कप घी है। फूड कलर है ग्रीन, रेड, ऑरेंज कलर, आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी सा बन के ये तैयार होगा दिलकश हमारा मुतंजन। गुलाब जामुन ये डेकोरेशन के लिए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को एंड तक देखिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। चावल को हम भिगोने के लिए रख देंगे 1/2 घंटे के लिए, फिर ये अच्छे से बन के तैयार होगा। चावल हमने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, चावल अच्छे से बॉईल हो रहे हैं, थोड़ी सी कसर बाकी है, हमें 80% चावलों को पकाना है। 1 कप हमने घी डाल के हम इसमें इलायची लौंग इसमें ऐड कर देंगे। चावलों को हमने बहुत अच्छे से हमने उसे उबाल के बॉईल करके रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची, अच्छे से कड़कड़ा गए इसके अंदर। अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड कर देंगे और हम शक्कर ऐड कर देंगे। शक्कर को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे, तकरीबन 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। बहुत अच्छा ये ज़्यादा बनके तैयार होता है। रेसिपी को एंड तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चाशनी हमारी बहुत अच्छे से पक रही है। चाशनी बहुत अच्छे से हमारी पक गई, 1 तार 2 तार की चाशनी, ऐसा कोई मसला नहीं, कुछ नहीं बनाना है ऐसे, तो सिंपल इसमें ऐड कर देना है। चावलों को हमने बहुत अच्छे से बॉईल करके 80%, अब हम इसमें ऐड कर देंगे, इसको दम लगा देंगे, इसको दम पे छोड़ देंगे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए। हम इसे स्पेस पे हम डाल देंगे, खोया ऐड कर देंगे हम, कुछ नट्स ऐड कर देंगे इसमें, अच्छे से चला लेंगे हम, इसको दम पे छोड़ देंगे हम 10 मिनट। 10 मिनट इसे हो गए दम पे रखे, थोड़ा सा उसका चाशनी का पानी बाकी है, ये भी इसमें सूख जाएगा। फिर हम इसमें कलर ऐड करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए और दम पे रखेंगे। पानी इसमें सूख गया, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये रेड कलर, ग्रीन कलर और ये ऑरेंज कलर। इसमें ऐड कर देंगे हम कुछ गुलाब जामुन और थोड़े हम ऊपर डेकोरेशन के लिए रख देंगे। अब हम इसे ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए दम पे आएंगे। बन के तैयार है हमारा प्यारा सा मीठा। चाशनी हमारी अच्छे से सोख हो गई है, दम में आ गया है हमारा, अच्छा सा बन के तैयार है। अब हम इसे चावल अलग, अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करते हैं।
अब हम इसे डिश आउट करते हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, रेसिपी बनाइए। डिश आउट हमने कर दिया है अपने मीठे को, अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। कुछ नट्स ऐड कर देंगे, बहुत ही यम्मी लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है। तैयार है हमारा बनके मीठा मुतंजन। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। यह है इसका लुक, रेसिपी बनाई है। अल्लाह हाफिज़।